यूपी के सोनभद्र में एनटीपीसी बीजपुर द्वारा डोडहर गांव के विस्थापितों के लिए बनाए गए गेट को लॉकडाउन के समय से ही बंद कर दिया गया था, जिसके कारण विस्थापितों को एनटीपीसी परिसर में स्थित अस्पताल, बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और बाजार जाने से वंचित होना पड़ रहा है। काफी समय से दिक्कतों का सामना कर रहे ग्रामीणों ने अब प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों में कोरोना का कोई भय नहीं दिखा। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो एनटीपीसी ने डोडहर पुनर्वास गांव के गेट को बंद कर दिया, जिससे गांव में निवास करने वाले लगभग 3 से 4 हज़ार आबादी वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गेट के बंद होने से अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस और बाजार के लिए 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन का कहना था कि एनटीपीसी ने डोडहर गांव का गेट बंद कर दिया है, जिसके लिए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पैदा हुई समस्या के बारे में एनटीपीसी प्रशासन से बातचीत की जाएगी। सोनभद्र में रिहंद बांध के दूसरे छोर पर स्थित बीजपुर क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी रिहंद के विस्तार से विस्थापित हुए डोडहर गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए एक गेट खोला गया था, ताकि विस्थापित लोग एनटीपीसी परिसर में स्थित बाजार, अस्पताल, बैंक और पोस्ट ऑफिस का लाभ ले सकें। पिछले 8 महीने से इस गेट को एनटीपीसी प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद कर दिया है। गेट को खुलवाने के लिए विस्थापित ग्रामीणों ने अब प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला पंचायत सदस्य जराहा केदार यादव ने बताया कि एनटीपीसी प्रशासन ने कोरोना शुरू हुआ तभी से इस गेट को बंद कर दिया, जबकि इसके पूर्व गेट खुला हुआ था, जिससे ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अस्पताल, बैंक, स्कूल और बाजार आते जाते रहे हैं। अब एनटीपीसी प्रशासन ने इस गेट को बंद कर दिया है। बहुत सुविधाएं थी उसमें, जो है ये गेट जो है मुख्य रूप से अपना भूमिका अदा कर रहा था, जिसमें हमको अंदर जाने के लिए सुविधा थी। यहाँ पर 100 मीटर पर हॉस्पिटल है और लगभग 200 मीटर पर जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह है। हमारी 200 मीटर 300 मीटर के अंदर में DAV और केंद्रीय विद्यालय है, संत जोसेफ का विद्यालय है। उनमें आने जाने के लिए तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। इधर से घूम करके जो है 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, इधर से घूम करके जा करके 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जो हमको मूलभूत सुविधाएं एनटीपीसी परियोजना काम करते समय शुरू कर। ग्रामीणों के प्रदर्शन की जानकारी पाकर बीजपुर थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे बीजपुर थाने के SI ने बताया कि एनटीपीसी ने डोडहर गांव का गेट बंद कर दिया है, जिसे खोलने के लिए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए एनटीपीसी प्रशासन से वार्ता की गई थी, लेकिन एनटीपीसी प्रशासन कोरोना महामारी खत्म होने के बाद ही यह गेट खोलने की बात कह रहा है। इसके लिए अधिकारी शरद सोमानी, जनमत न्यूज़, सोनभद्र।